अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। इस लेसन में हम करेंगे जर्मन इम्पेरेटिव फॉर्म्स, जिसमें हम डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ देखेंगे और कुछ टिप्स और फॉर्मेशन रूल्स भी। आखिर में हम देखेंगे कुछ इम्पेरेटिव्स। सो लेट्स बिगिन। जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इम्पेरेटिव होता क्या है। तो इम्पेरेटिव जुमला वो होता है जो कि एक्सप्रेस करता है एक कमांड या रिक्वेस्ट को। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हिल्फ मी अ बिटे, यानी प्लीज मेरी मदद करो, ये इनफॉर्मल है और इसी का फॉर्मल वर्जन बनेगा। हेल्फन जी मी अ बिटे, यानी प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। ये दोनों किस तरीके से बनाए जा सकते हैं वो हम आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं। जर्मन लैंग्वेज में इम्पेरेटिव्स की तीन फॉर्म्स होती हैं। पहली जो टाइप है इम्पेरेटिव की वो बनती है डू के साथ, यानी तुम। अगर हमने तुम्हें कोई काम कहना है कि ये काम करो, तो हम डू के साथ उसकी फॉर्म बनाएंगे। दूसरी जो बनेगी वो ईआर के साथ बनेगी, यानी तुम सबके लिए कोई काम है तो वो हम ईआर यूज करेंगे। और ये आप नोट कर रहे होंगे कि ये दोनों फॉर्म्स इनफॉर्मल हैं। और अगर हमने किसी को फॉर्मली कहना है कि आप कोई काम करें, उनको रिक्वेस्ट करनी है, तो वो हम जी के साथ बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि डू के साथ इम्पेरेटिव हम कैसे बनाएंगे। और अगर आपको याद हो तो डू का मतलब है तुम, और इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉमन के साथ। कॉमन का मतलब है आना, और प्रेजेंट में उसकी फॉर्म बन जाती है डू कॉम्स्ट, यानी तुम आते हो। कॉमन का इम्पेरेटिव बनेगा डू और उसकी एंडिंग एस जे को ओमिट करके, तो फिर हमारे पास रह जाएगा कॉम, यानी कि आओ। इसी तरह हम सेपरेबल वर्ब गाइन कॉमन का इम्पेरेटिव भी बना सकते हैं। गाइन कॉमन का मतलब है टू कम इन, तो उसका बन जाएगा कॉम गाइन, यानी कि अंदर आओ। इस रूल को फॉलो करके आप किसी भी वर्ब का इम्पेरेटिव बना सकते हैं। दूसरी फॉर्म हमारे पास ईआ की है, और ईआ का आपको पता है कि मतलब तुम सब है, और ये भी इनफॉर्मल सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी अपने दोस्तों के साथ, अपने वाकिफकारों के साथ। इसकी भी हम कॉमन के साथ ही एग्जाम्पल बनाएंगे, और आपको याद होगा कि प्रेजेंट टेंस में इसकी कॉन्जुगेशन बन जाती थी ईआ कॉम्ड, यानी तुम सब आ रहे हो। ईआ का इम्पेरेटिव बनाना काफी आसान है, क्योंकि उसमें सिर्फ ईआ ओमिट हो जाता है और वर्ब वैसे का वैसा ही रहता है। यानी अगर आप कॉम्ड कहें तो उसका मतलब है आओ, लेकिन आप एक से ज्यादा लोगों को बुला रहे होते हैं। और अगर हम सेपरेबल वर्ब मिट कॉमन की बात करें, जिसका मतलब है टू कम अलोंग, यानी साथ आना, तो उसका भी हम इम्पेरेटिव बना सकते हैं, जैसे कि कॉम्प्ट आले मिट, यानी कि सब साथ आओ। तीसरी और आखिरी इम्पेरेटिव फॉर्म बनती है जी के साथ, यानी कि आप। और इसमें भी हम कॉमन की एग्जाम्पल के साथ कैरी करेंगे, तो आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस में जी की जो फॉर्म है वो मेन वर्ब जैसी ही रहती है, यानी जी कॉमन का मतलब है आप आ रही या रहे हैं। जी के साथ इम्पेरेटिव बनाना सबसे आसान है, क्योंकि उसमें सिर्फ हमने पोजीशन इन्वर्ट करनी होती है, यानी वर्ड ऑर्डर बदल जाता है, जी कॉमन की बजाय हो जाता है कॉमन जी, तो इस तरह बन जाएगा कि आप आइए। अब टिप्स टाइम है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप इम्पेरेटिव्स पर किस तरह से अच्छी कमांड हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इम्पेरेटिव्स इस्तेमाल कहाँ होते हैं। गोएथे सर्टिफिकेट आ आइंस में, यानी कि जब आप जर्मन लैंग्वेज A1 का एग्जाम देते हैं, तो ये इस्तेमाल होते हैं स्प्रेशन टाइल डगाए में, यानी स्पीकिंग Part 3 में। तो ये जो आखिरी लाइन है, इसको देख के आपने घबरा नहीं जाना, इसको जरा सा देख लेते हैं। बिटन फॉर्मुलीगन, यानी टू फॉर्मुलेट रिक्वेस्ट, उंड एंड डगाउफ रियागीगन, यानी टू रिएक्ट ऑन देम, यानी जब आपके स्पीकिंग पार्टनर्स रिक्वेस्ट फॉर्म करते हैं, यानी इम्पेरेटिव्स फॉर्म करते हैं, तो उनका आपने जवाब भी देना होता है इस तीसरे एग्जाम के हिस्से में। क्वेश्चन टाइल जगाए में होता क्या है कि इसमें डिफरेंट क्यू कार्ड्स होते हैं, और हर एक को दो दो क्यू कार्ड्स मिलते हैं। उन क्यू कार्ड्स पे मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें होती हैं। मिसाल के तौर पर एक पानी का ग्लास अगर आ जाए, तो ये जो मिसाल है ये भी मैंने गोएथे के पेपर से ली है, वहां पर लिखा हुआ था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप बोलें आइन ग्लास वासा बिटे, यानी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज,
और आपका स्पीकिंग पार्टनर बोले या हियर बिटे, यस हियर प्लीज, तो आपके स्पीकिंग पार्टनर को भी पॉइंट्स मिलेंगे और आपको भी मिल जाएंगे क्योंकि आपने फुलफिल कर दिया है एग्जाम का क्राइटेरिया। इसी क्यू कार्ड पर अगर आप ये सेंटेंस बनाएं, बगिंगन जी मिया बिटे आइन ग्लास वासा, यानी प्लीज आप मेरे लिए एक ग्लास पानी का लाइए, तो ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा और एग्जामिनर आपको कंपैरेटिवली ज्यादा नंबर दे सकता है। इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट बेसिक वर्ब्स की इम्पैरेटिव फॉर्म्स बनाई हैं जो कि आप खुद अपनी हेल्प के लिए लिख सकते हैं। आखिर में कुछ और मिसालें देख लेते हैं जिसमें से फर्स्ट है माखन जी बिटे दस फेंस्टा आउफ, यानी कि आप प्लीज खिड़की खोलें। आउफ माखन यहाँ पर एक सेपरेबल वर्ब लगा है जिसका मतलब होता है खोलना। दूसरी एग्जाम्पल है ब्रिंग मिया बिटे आइनन कुखन, यानी प्लीज मेरे लिए एक केक लाओ। कोई आपका फ्रेंड बाजार गया हुआ है तो उसको आप ये कह सकते हैं। और यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो बिटे है वो हर इम्पेरेटिव सेंटेंस में लगाना जरूरी नहीं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली इस्तेमाल लोग करते हैं ज्यादा पोलाइट बनाने के लिए इम्पेरेटिव्स को। यहाँ पर कुछ इम्पेरेटिव्स हैं जो कि आप सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। खुकमाल, देखो, जायफवाज इश्तिश, यानी कोई किसी डेंजर को इनकाउंटर करने ही लगा है तो आप उसको ऑलरेडी अलर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। फिर है फासाउफ, ध्यान रखो, गे वेग, दूर चले जाओ, खम माल हेया, इधर आओ, और ये सारे के सारे इनफॉर्मल हैं। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर ये आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।